नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, कोविड संक्रमण अभी जो कि पीक पे चल रहा था, थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगा है। इसके बाद जो तीसरी वेव आने के संकेत मिले हैं, उसमें बच्चों को इन्फेक्शन होने का खतरा देखने के लिए मिला है और बच्चे यहाँ पर इन्फेक्टेड होने लगे हैं। जैसे कि जो दूसरी वेव और फर्स्ट वेव में जो लोग इन्फेक्टेड हुए थे, उन लोगों में ब्लैक फंगस देखने को मिला था, इसी तरह से अब तीसरी वेव में बच्चों के अंदर ये रिस्क फैक्टर्स आने लगे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं बच्चों में क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, कैसे हम उसको घर पे ट्रीट करें और कब हमें मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उस गाइडलाइन के थ्रू एक PPT के माध्यम से हम यहाँ पे इन चीज़ों को समझेंगे। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को दबाना जरूर नहीं भूलिए, जिससे कि जो भी वीडियो आए उसका तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, बच्चों में जो देखने को मिला है कि जो लक्षण आए हैं, या तो कोई लक्षण नहीं आए या हल्के लक्षण उन लोगों में कोविड से, यदि उनको संक्रमण हुआ है तो ये लक्षण उनके अंदर देखने को मिले हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, सांस फूलना, थकान, बदन दर्द, नाक बहना, गले में खराश, दस्त लगना, स्वाद या गंध न आना, ये सारे लक्षण जो कि बड़े लोगों में शामिल हुआ करते थे, वही लक्षण इन लोगों में आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों में पेट से संबंधित परेशानियाँ भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बच्चों में एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम का एक नया सिंड्रोम देखा जा रहा है, जिसमें कि बुखार उन्हें लगातार रह रहा है 38 डिग्री से ऊपर का, और ये कोविड सेकंड से संबंधित है। और ये कुछ इसमें इस तरह के इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। अब यदि कोविड संक्रमण के दौरान बच्चों की देखभाल कैसे करें, लक्षण विहीन है और हल्के मामले हैं तो उसमें कैसे देखभाल करें, तो सबसे पहले बच्चों की पहचान करें और स्क्रीनिंग से पता लगाएं कि कोविड का इन्फेक्शन है या नहीं है। यदि हम कोविड का इन्फेक्शन पता नहीं करते हैं तो लक्षणों की गंभीरता के अनुसार हमें उपचार करने की ज़रूरत है। जैसे कि जिन बच्चों में हल्के गले में खराश है, नाक बह रही है, खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो उन्हें किसी तरह की जांच की ज़रूरत नहीं है। इन बच्चों के लिए होम आइसोलेशन और रोग के लक्षण के मुताबिक घर पे उपचार दिया जा सकता है। रोग के लक्षण के मुताबिक मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं, जिसमें कि कोई एंटीबायोटिक इंक्लूड नहीं होती है, वो यहाँ पर दिया जा रहा है सिम्टम्स के अनुसार, लक्षण के मुताबिक। जैसे कि बुखार है तो पैरासीटामोल दे दिया बुखार के लिए, गले में खराश है, नाक बह रही है, तो उसके लिए होम ट्रीटमेंट जो कि गरारे, गर्म पानी के गरारे करवा दिए या फिर भाप दे दी गर्म पानी से, या एक कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उससे हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ड्रॉप्स से उसका जो वेपर है, उसका जो भाप है, वो दिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जिन बच्चों में जन्मजात हृदय रोग है, फेफड़ों का कोई पुराना रोग है, कोई अंग विफल हो चुका है, तो इन बच्चों को जो कि मोटापे समेत पहले से बीमार बच्चों हैं, इनको भी घर पर ही प्रबंधित, इनका भी उपचार घर पर ही किया जा सकता है। तो कैसे इनका उपचार करना है, तो बुखार के लिए बच्चों में 10 से 15 mg प्रति kg की डोज हर 4 से 6 घंटे में देनी है। 10 से 15 mg पर kg की डोज 4 से 6 घंटे में देनी है। और यदि कफ है उनके अंदर तो गर्म पानी से गरारे की सलाह है। जो छोटे बच्चे गरारे नहीं कर पाते उनके लिए भाप दे सकते हैं। तरल पदार्थ देना है खान पीन के लिए, हाइड्रेशन उनका मेंटेन रखता है, यानी कि तरल पदार्थ के थ्रू, पानी के थ्रू और लिक्विड चीज़ों के थ्रू उनका हाइड्रेशन, बॉडी में पानी की कमी को बराबर मेंटेन रखना है और पोषक तत्व उनके लिए देना है। इसके अलावा मार्केट में मल्टी विटामिन अवेलेबल होते हैं, तो पोषक तत्वों की पूर्ति उनके थ्रू भी कर सकते हैं। एंटीबायोटिक कुछ नहीं देना है हल्के लक्षणों में। अब एक चीज़ आती है कि जो हैवी एंटीबायोटिक्स जो कि, या फिर हैवी जो एंटीवायरल्स चल रहे हैं या इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स चल रहे हैं, वो बच्चों को बिल्कुल नहीं देने की अभी ज़रूरत है। जैसे कि डेक्सामिथासन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, आइवरमेक्टिन,
रेमडेसिविर, इस तरह की कोई भी चीज़ बच्चों को देने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हमें उन्हें मॉनिटर कैसे करना है, हमें मॉनिटर करने के लिए उनकी जो जो रेस्पिरेशन की रेट है, श्वसन दर है, उसको जांचना है 2 से 3 बार। शरीर पे नीलापन है, शरीर पे नीलापन, सीने में समस्या, ये सब चीज़ें ऑक्सीजन के लेवल को शो करती है कि शरीर पे यदि नीलापन बढ़ता है तो ऑक्सीजन कम होने का ये संकेत है। अत्यधिक ठंड लगना, मूत्र की मात्रा बढ़ना, तरल पदार्थों का सेवन, इस तरह की चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है। ऑक्सीजन सेचुरेशन, इन तरह की चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। और यदि कुछ ज़्यादा लगे तो उस स्थिति में डॉक्टर से मेडिकल एडवाइस लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। अब आगे चलते हैं कि किस किस उम्र के बच्चों में क्या क्या लक्षण मॉनिटर करने हैं। जैसे कि 2 महीने से कम उम्र का बच्चा है तो उसकी श्वसन दर यदि 60 श्वसन दर पर मिनट के से हिसाब से कम होती है तो यहाँ पर हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत है और मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत है। 2 से 12 महीने का बच्चा यानी कि 1 साल तक के बच्चे के लिए 50 रेस्पिरेशन की रेट जो होनी चाहिए वो 50 पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से 1 से 5 साल के बच्चों में 40, 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों में 30 रेस्पिरेशन पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए। जितनी उम्र कम होती है रेस्पिरेशन रेट हमेशा उतना ज़्यादा होता है। जैसे कि एक एडल्ट का जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो 16 से 22 रेस्पिरेशन प्रति मिनट होता है, यानी कि वो व्यक्ति 1 मिनट में, हम एडल्ट लोग 16 से 22 बार सांस लेते हैं, 1 मिनट में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो इसी को हम रेस्पिरेशन रेट बोलते हैं। उम्र जितनी कम होती है रेस्पिरेशन रेट हमेशा उतना ज़्यादा होता है। यदि रेस्पिरेशन रेट कम होता है तो वो एक डेंजरस साइन है। और साथ में इन बच्चों को ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल जांचते रहना है, तो लेवल हमेशा 90 से ऊपर होना चाहिए, 90% से ऊपर ऑक्सीजन लेवल हमेशा होना चाहिए। बच्चों में निमोनिया हो सकता है जो कि कंफ्यूज कर सकता है कोविड के साथ में, तो उस कंडीशन में भी मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत है। यदि बच्चा पहले से किसी रोग से ग्रस्त है तो किसी भी लैब टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, जो भी कोविड हेल्थ सेंटर है वहीं पे भर्ती होना होगा और वहीं पे निगरानी करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनका बैलेंस बनाना ज़रूरी है, तो उनको हम घर पे भी इलेक्ट्रोलाइट का जो पाउडर आता है, ORS का जो पाउडर आता है, उनके थ्रू हम मेंटेन कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं, उनको ओरल फीड करवाते रहना है। यदि बच्चा मुंह से नहीं खा रहा है तो उस कंडीशन में ही फ्लूड थेरेपी यानी कि जो ड्रिप लगनी है, बोतल जो चढ़नी है, वो सिर्फ उसी कंडीशन में स्टार्ट करनी चाहिए। तो बच्चों के लिए मेडिसिंस का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बुखार के लिए पैरासीटामोल। यदि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता है या इसका संदेह है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक जो होता है एमोक्सिसिलिन, वो दिया जा सकता है। और यदि 94% से कम ऑक्सीजन है, सेचुरेशन ऑक्सीजन का है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पूर्ति भी करनी पड़ सकती है। यदि बीमारी ज़्यादा बढ़ती है तो उस कंडीशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं, स्टीरॉइड्स, वो डॉक्टर की निगरानी में लेने पड़ सकते हैं। अब चलते हैं आगे कि जिन बच्चों में 90% से कम का SpO2 लेवल देखने के लिए मिले उन बच्चों में क्या करना है। इनमें गंभीर निमोनिया हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, ये एक रेस्पिरेशन संबंधित बीमारी है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम हो सकता है, या साइनोसिस के साथ भी निमोनिया हो सकता है। तो इन बच्चों में किस तरह की दिक्कतें आएंगी, ग्रंटिंग यानी कि जब वो सांस लेते हैं तो खड़खड़ाहट की आवाज़ आएगी, या फिर सीने में, उनके जब सीने में सुनते हैं तो सीने में उनके खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, सीने में तकलीफ़ होती है, सुस्ती आती है, ज़्यादा नींद आती है और दौरों की दिक्कत हो सकती है। जब ये SpO2 का लेवल कम होगा तो इस स्तर पे अस्पताल से ही सुविधाएं हमें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है। अब यदि इस तरह की दिक्कतें होती हैं तो इसके साथ में कुछ दिक्कतें भी हो सकती है बच्चों में, जैसे कि थ्रोम्बोसिस,
हीमोफेगोसाइटोसिस, लिम्फोस्टियोसाइटोसिस, इस तरह का या अंग विफल होने की दिक्कतें भी हो सकती है, तो वहाँ मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत है। और मेडिकल एडवाइस में बच्चों को CBC, किडनी लीवर फंक्शन की जांच, छाती का एक्सरे, ये सब चीज़ें डॉक्टर कर सकते हैं और उनके इंट्रावीनस फ्लूड थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रावीनस फ्लूड मतलब उनके ड्रिप बोतल स्टार्ट कर सकते हैं। तो ड्रिप बोतल स्टार्ट करने पर डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट्स देते हैं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब इस एक्यूरेटरी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा तो उस कंडीशन में भी बच्चों के लिए मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है। सेप्टिक शॉक में भी बच्चों के लिए मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है, वो डॉक्टर्स अपने अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट वहाँ प्रोवाइड करते हैं। अब यदि बच्चे बड़े हैं, किशोर हैं, तो उनमें यदि 3 दिन या 3 दिन से कम की बुखार दोनों की स्थिति हो, उस कंडीशन में भी ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, तो इसमें भी मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत है। तो टोटली हम एक ही चीज़ कह सकते हैं कि यदि हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं तो हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं होम आइसोलेशन और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स के थ्रू। बाकी जितने भी यदि थोड़ी समस्याएं ज़्यादा है तो यहाँ हमें मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जितनी भी मेडिसिंस हैं उनके कोई ना कोई आगे जाके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टीरॉइड्स का अब साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं, ब्लैक फंगस, तो इसी तरह से ये मेडिकल एडवाइस के थ्रू ही हमें ट्रीटमेंट लेना है। तो दोस्तों, ये थी बच्चों के ट्रीटमेंट और बच्चों की सावधानियाँ रखने संबंधित कुछ बातें, जहाँ हमें ये पता लगता है कि किस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है और किस कंडीशन में हम बच्चों को घर में ही ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।